हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक पार्सल की हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये पार्सल हमें मिला है फ्लिपकार्ट से, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था कॉस्मिक पेगासस को, चलिए देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये हो चुकी है हमारे साथ दूचा। हमने मंगाया था कॉस्मिक पेगासस और आ गया है लाइटनिंग अल्ट्रेगो। ये बड़ा गलत किया फ्लिपकार्ट वालों ने, इसे हम करेंगे रिटर्न। इसे रिटर्न करेंगे क्योंकि हमने मंगाया था कॉस्मिक पेगासस और आ चुका है लाइटनिंग अल्ट्रेगो। थैंक्स टू फ्लिपकार्ट वालों, फ्लिपकार्ट से मंगाया था। कोई नहीं, कर लेते हैं इसी बेबलेट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। हाँ, तो वैसे आप देख सकते हैं हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया था कॉस्मिक पेगासस और हमारे पास आ चुका है लाइटनिंग अल्ट्रेगो। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। अब इसे वापस तो करना ही है हमें, एक बार इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। चलिए कुछ नहीं, लाइटनिंग अल्ट्रेगो की अनबॉक्सिंग हो जाए आज, इसी बेबलेट का रिव्यू कर लेते हैं। ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया, इसके साथ आप देख सकते हैं रिपकॉर्ड आता है अगर आप लाइटनिंग अल्ट्रेगो को लेंगे। ये है हमारा वेबलेट लाइटनिंग अल्ट्रेगो। हमारे पास ये तो पहले से था, हमने कॉस्मिक पेगासस मंगाया था, लेकिन दिक्कत हो गई है। और इसके साथ आता है ये लॉन्चर, राइट लॉन्चर। ये है स्टिकर्स, और स्टिकर्स भी ठीक नहीं है, पेगासस और लियोन का है, अल्ट्रेगो तो इसमें कहीं है ही नहीं। और ये बेबलेट खोलने वाली की, तो इतनी चीज़ें आती हैं हमारी लाइटनिंग अल्ट्रेगो के साथ। इसका पहले टेस्ट स्पिन कर लेते हैं। काफ़ी लाइट वेट है ये मेटल सीरीज का, तो इसे हम करेंगे वापस और मंगाएंगे कॉस्मिक पेगासस को। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा। फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते समय सावधानी रखें, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अल्ट्रेगो को वो है लाइटनिंग अल्ट्रेगो। वैसे तो इसे फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, ऑर्डर तो कॉस्मिक पेगासस को किया था, लेकिन गलती से फ्लिपकार्ट वालों ने हमें भेज दिया है लाइटनिंग अल्ट्रेगो। तो कोई बात नहीं, करते हैं आज इस पेबलेट की रिव्यू अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है। वैसे अल्ट्रेगो मेरे पास पहले से है, ये आप देख सकते हैं, इसे मॉडिफाई किया था MC लगा के, जिससे इसका वेट काफ़ी सही हो गया है। अब देखेंगे इससे फाइट भी करा के देखेंगे इस पेबलेट की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, पहले से कर लेते हैं ओपन। पैकिंग तो काफ़ी सही है इसकी, ये आ गया इसके पीछे का कवर, और ये कैरेक्टर कौन है ये तो पता नहीं है। वैसे तो यहाँ पे जिंगा को होना चाहिए था, लेकिन ये पता नहीं कौन सा कैरेक्टर है। और यहाँ 4D सिस्टम था, लेकिन ये 5D सिस्टम है, और इस कैरेक्टर को भी नहीं जानता मैं कौन है। अगर आपको इनके नाम पता है तो कमेंट में बताइएगा। और इसे कर लेते हैं ओपन। इसके अंदर हमें मिलता है इस तरह का रिपकॉर्ड, ये है हमारा रिपकॉर्ड, ये है हमारा राइट लॉन्चर। ऐसे मेरे पास दो हो चुके हैं। ये देखिए, ये पहले वाले बेबलेट में आया था,
जब हमने अनबॉक्सिंग की थी इसके पहले वाली वीडियो। अब ये एक और लॉन्चर हमें मिल चुका है। इसके साथ आई है ये की टैबलेट ओपन करने की, और साथ में है ये स्टिकर जो कि गड़बड़ है। हमारा बेबलेट है लाइटनिंग एल ड्रैगो, तो उसके साथ हमें स्टिकर मिलना चाहिए था लाइटनिंग एल ड्रैगो का, लेकिन ये हमें पेगासस और रॉक लियोन का मिल गया है। कोई बात नहीं, स्टिकर तो हमारे पास है एल ड्रैगो का, हम उससे काम चला देंगे। और बस यही प्रोडक्ट आते हैं हमारे साथ इसमें बेबलेट के साथ। ये है हमारा बेबलेट लाइटनिंग एल ड्रैगो। इसे ओपन करते हैं। ओपन करके देखते हैं इसको। तो ये हमने इसे ओपन कर लिया। ये है इसका फेस बोल्ट लाइटनिंग एल ड्रैगो का। ये है इसकी एनर्जी लेयर। प्लास्टिक इसका अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और ये है इसकी मेटल फ्यूजन जो कि काफ़ी हल्की होती है। और इसकी फाइट कराएंगे अपने मॉडिफाइड लाइटनिंग एल ड्रैगो के साथ। तो काफ़ी लाइट वेट है इसके मेटल फ्यूजन का। और ये है इसका स्पिन ट्रैक, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इसका ये ड्राइवर कह लो, ये इस तरह का है। तो ये प्रोडक्ट आते हैं हमारे लाइटनिंग एल ड्रैगो के। इसमें दो मोड होते हैं, पहला तो जब ये ड्रैगन इस तरह से कवर करता है तो ये है इसका एब्जॉर्ब मोड, और जब इसे हम 180 डिग्री घुमा देते हैं तो आप देख सकते हैं इसका ये वाला हिस्सा सामने आ गया है। ये है इसका अटैक मोड। तो इस तरह से हमारे लाइटनिंग एल ड्रैगो में दो मोड हैं, पहला तो अटैक मोड और दूसरा एब्जॉर्ब मोड। तो इसे हम अटैक मोड में रखते हैं और बेबलेट को फिक्स करते हैं। हमारा एल ड्रैगो कंप्लीट हो गया। पहले इसका स्पिन टेस्ट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 लेट इट। काफी सही स्पिन हो रहा है। देखते हैं क्या ये अटैक सह पाएगा हमारे मॉडिफाइड एल ड्रैगो का। चलिए करते हैं इन दोनों की फाइट। तो शुरू करते हैं इन दोनों की फाइट। पहले हम लॉन्च करेंगे हमारे मॉडिफाइड एल ड्रैगो को, क्योंकि ये काफ़ी वेट है इसमें। और हम लॉन्च करेंगे अपने एल ड्रैगो को। गाइज आप देख सकते हैं ये इतना लोकल इसका मेटल फ्यूजन वाला पार्ट है कि यहीं ये टूट चुका है। ये हमारे एल ड्रैगो के अटैक को सह नहीं पाया। और ये देख सकते हैं आप, ये क्या होगा, एक ही अटैक में इसका मेटल पार्ट पूरा टूट चुका है। वाह बहुत अच्छे। तो ये है इसकी क्वालिटी, 5D सिस्टम बेबलेट। ये है इसकी क्वालिटी, देख सकते हैं फेक बेबलेट की। इससे सही तो हमारा यही बेबलेट है। तो क्या कर सकते हैं, इसे रिटर्न करना होगा, वापस फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है
दोबारा हमें रिटर्न करना होगा। ये क्या क्वालिटी दी है इन लोगों ने, यहाँ से टूट रहा है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ से टूट रहा है, ये देखिए। कुछ नहीं कर सकते, अब इसे वापस ही करना पड़ेगा, रिटर्न करना होगा। और फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते समय तो सावधानी रखना ज़रूरी है, क्या पता कब क्या दे दें इन लोग। कॉस्मिक पैगेसस मंगाया था और दे दिया लाइटनिंग अल्ट्रैगो, और वो भी ऐसी घटिया क्वालिटी का। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।